आप देखिए ना, ये मैं जो आपको बता रहा लाइन, वो लाइन वो वहाँ तक लगी है, ऐसे पूरे गोल घूमते हुए वहाँ तक आई हुई है। देख रहे हैं आप, देखो आप, ये है खूबसूरत नदी और उसी नदी में देखो वहाँ पर हो रही है राफ्टिंग। अगर आपको राफ्टिंग करनी, छोटू डर लग रहा है, ये नेपाली में बोले, इसे कहिए नेपाली में बोले, कुछ बोले कह रहे हैं नेपाली में, कुछ बोलो आपस में, आप लोग बोलिए कुछ, ये भी बोलेगा। कस्तो भाई नो तिम्रो के नाम को बोल पूछिए, तिम्रो के नाम, तिम्रो नाम के रे बंदे होते बंदे जानू। तो ये गेट है मनोकामना मंदिर के केवल कार का, और ये है आपके इस हाईवे के बिल्कुल किनारे। मैं सोचा था कि ये जो ब्लॉग हम लोग बनाए ना, तो ये इसी के साथ बनाए, लेकिन ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इसलिए हमने मनोकामना मंदिर का ब्लॉग डाल रहा हूँ दूसरे हाईवे। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो सामने आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर क्या होंगा जी, सीमेंट एन सेल सिटीजन बैंक और टॉप दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल वहाँ पे। तो ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईएस्ट रोप वे, जो सबसे बड़ा रोप वे है पूरे वर्ल्ड का। तो फिलहाल क्या हुआ कि अभी हम लोग नीचे आ रहे टिकट लेने के लिए, मतलब मम्मी निहारिका पापा लोग नीचे खड़े हुए। मैं मुझे एक्चुअली क्या हुआ कि नीचे पार्किंग खुलती तो उसकी वजह से मुझे गाड़ी खड़ी करने ऊपर आना पड़ा। तो नीचे फुल है तो वहाँ पर सिर्फ 10 मिनट की पार्किंग हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और हम लोग ऊपर तक जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं गाड़ी ऊपर वापस चल करके वापस नीचे आ रहा हूँ पैदल पैदल। तो ये ऐसे कुछ रोड है जो नीचे जा रही है, इसी रास्ते मेरे को जाना है नीचे, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरा फेयर कितना है ऊपर नीचे दोनों आने आने जाने का। उसके बाद दिखाते हैं आपको पूरा रोप वो कितना प्यारा लग रहा है, और हम पप्पल को भी लग गया कि वहाँ वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट रोप में बैठ गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन, तो जो टिकट मिला हुआ है ना वो निहारिका लाइन पे लगी हुई थी, तो 825 रुपये इंडियन वालों का चार्ज है और नेपाल वालों का 525 रुपये चार्ज है इस मंदिर में जाने के लिए। मतलब मोस्टली अभी दिन के सुबह के 10:30 बजे हुए हैं और हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि इसमें 4 घंटा ऊपर जाने में लगेगा, 4 घंटा नीचे आने में लगेगा, यानी कि 8 घंटा पूरा यहीं खर्च होने वाला है। और अभी हमारा पोखरा करीब 100 किलोमीटर और दूर है, तो देखते हैं आज का कैसा रहेगा हिसाब किताब, कितना हम लोग थक जाएंगे जाने। तो अभी आप देखिए ना, ये पीछे लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ ऊपर भी लंबी लाइन लगी हुई है ऊपर तक, और बहुत सारे लोग जो उतर रहे हैं वो उस साइड से उतर रहे हैं जो ऊपर दर्शन करके आ गए हैं। ये देखिए मनोकामना केवल कार ISO 9001:2015, ये सर्टिफाइड है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी है केवल कार। तो हम लोग जा रहे हैं इधर घूमने के लिए, क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अभी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी केवल कार में बैठोगे। हाँ, तो देखिए यहाँ से जा रही है ऐसे ये अभी, लेकिन हम लोग को ये लाइन ना बहुत ज़्यादा घूमी हुई है, यूँ जाके यूँ टर्न है वो आगे तक उधर तक, तो यानी हमको यहीं तक जाने में पूरा 1.5 घंटा लगेगा। तो आप देखिए ना, ये मैं जो आपको बता रहा लाइन वो वहाँ तक लगी है, ऐसे पूरे गोल घूमते हुए वहाँ तक आई हुई है, देख रही हैं आप ये। तो लाइन में खड़े खड़े हम लोग को हो गया करीब 1 घंटा, तो 1 घंटे में हम लोग ऐसे पूरी लाइन क्रॉस करके एक घूम के अब इस साइड आ गए। मम्मी पापा लोग को हमने उधर बैठाया हुआ है, तो वो लोग लाइन पे लग जाएंगे उधर ही पे आके, क्योंकि हमने सिक्योरिटी गार्ड से बात की हुई है, जो मतलब बुड्ढे लोग हैं उनका कोई परिवार वाले यहाँ पर लग जाए लाइन पे, और उन लोग को वो लोग वहाँ से हम लोग को मतलब लाइन पर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग इधर से बैठ जाएंगे। तो मम्मी पापा लोग बैठे थे इस वाले पार्क टाइप का जो बनाया हुआ है, जहाँ पर जो ओल्ड एज वाले ना उनको बैठा दे रहे हैं, उनके जो परिवार वाले जो लगेगा अभी ये लोग लाइन पे इस साइड से आ गए हैं ये। अभी वहाँ पे देखिए उधर अभी हमको आईडी कार्ड भी चेक कराना है अपना, मतलब ये है कि नेपाली में 525 रुपये और इंडियन में 840 रुपये हम लोग को देने हैं। अब यहाँ पर कोई भी बंदा मतलब ऐसे चीटिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको परिचय पत्र अपना दिखाना पड़ेगा,
आप वहाँ परिचय पत्र दिखाओगे अपना, तो क्या होगा कि आप पता चल जाएगा कि आप कहाँ गए हो, फिर उसको आपको वापस उल्टा जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है तो पहले ही अपने कंट्री के हिसाब से पैसा दे के टिकट लो, ताकि ऊपर आप आराम से जाओ। तो लाइन लगा के हम लोग अंदर आ गए, बहुत पीछे पीछे तक बहुत ज़्यादा लगी हुई है और यहाँ पर शोरगुल भी बहुत ज़्यादा है, आवाज़ आ रही है बहुत, दिन का पंखे चल रहे हैं, इसके अंदर गर्मी बहुत है। देखो उस साइड कहीं पे वो लगा हुआ है और अभी लाइन वहाँ तक पीछे तक लगी हुई है पूरी। नज़ारे नदी के ये, यहाँ से हम लोग वो ऊपर मेरी कार खड़ी की हुई है, हम लोग बैठ गए हैं दुनिया की हाईएस्ट रोपे पे और नीचे का नज़ारा देखो आप, ये है खूबसूरत नदी और उसी नदी में देखो वहाँ पर हो रही है राफ्टिंग। अगर आपको राफ्टिंग करनी है तो ये है चितवन में कहीं पे, और जो किराया, जो उसका किराया था वो था इंडियन रुपये में, मतलब इंडियन लोग का 840 नेपाली रुपये, मतलब इंडिया का पहले कई 500 रुपये इंडिया वालों को देना पे करना पड़ेगा वहाँ पे, सिर्फ इंडियन करेंसी में 100 का नोट और 50 का नोट वहाँ पे चलेगा, उसके अलावा सारा पैसा आपको नेपाली देना पड़ेगा। तो ये मम्मी पापा लोग खुश हैं, बताइए क्या लग रहा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया तुमको? डर भी लग रहा है, नीचे देख के डर लग रहा है। नीचे देखिए पूरा ये गाँव कितना प्यारा है, और ये देखिए रोप पे, ये देखिए यहाँ पे NCCL लिखा हुआ है, होंगासी सीमेंट लिखा हुआ है, उधर सिटीजन बैंक लिखा हुआ है, तो ऐसे है। और ये पूरी जो वैली है सामने देखने वाला, देख वैली का मजा ही कुछ और है। और सामने वाला जो हाईवे है वो है पोखरा टू काठमांडू, और ये मतलब यही जाएगा पोखरा टू सुगौली बॉर्डर, ये रोड यहाँ से बनी हुई है, तो सामान लेने के लिए जाती है ऊपर। मम्मी पापा लोग कहते हैं फोटो सेशन, तो देखिए कुछ नज़ारे किधर गया बाबा आराम से, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत है, ये बहुत तेज चल रहा है, ऐसे हल्के नहीं चल रहा, एकदम से बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, क्योंकि इतना लोग नीचे खड़े हुए इंतजार पे, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखो ना ये ऊपर को देख के तो मेरे को लग रहा है काफी डर, वो देखिए भाई साहब कितने ऊपर रुपए बनाया हुआ है बहुत तगड़ा है। जय श्री राम, जय श्री राम। डर लग रहा नियारी का को डर लग रहा है? नहीं मुझे नीचे देखने से लग रहा है, हम नीचे देखेंगे। डर लग रहा है? ये नेपाली में बोले, नेपाली बोले, नेपाली में कुछ बोलो आपस में, आप लोग बोलिए कुछ, ये भी बोलेगा, बोलो ना, बोलो ना। कस्तो भाई नो तिम्रो के नाम को बोल पूछिए, तिम्रो के नाम, तिम्रो नाम क्यों बंदे होते अभी? देखिए जो नीचे से जो टावर दिखाई देता है ना लास्ट वाला, वो यहाँ पे, लेकिन लोग बोले थे इससे भी और आगे जाना पड़ेगा आपको, तो तीन हाँ इससे तीन और आगे जाना पड़ेगा अभी ऐसे ही, इसलिए ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रोप है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोप है। देखिए ये कितना मजेदार सफर है, ये देखिए ये इतने हाइट आने के बाद फिर ये पैदल जो और ही डर लग रहा है ये तो गांव देखो नीचे, प्यारे प्यारे गांव नीचे, खेत और के गांव के मस्त, उधर लीजिए ये प्यारा फूल लग रहा था, फूल कहाँ से देखो, वो देखो पूरी पूरी घाटी कितनी प्यारी लग रही है, ये देखो ये मजा आ गया, आ रहा मजा है, मम्मी जय श्री राम बोलने लगी, मम्मी कह रही अरे तो हालत खराब हो गई भैया डर के मारे, नीचे जा रहे थे वो लोग हाथ ला रहे थे हम लोग को, ये तो अकेले ही आ रहे हैं इसमें, ऐसे कुछ मजा आ रहा है, फिर उतनी चढ़ाई हरे कृष्णा उतनी बड़ी चढ़ाई चलने के बाद देखिए फिर अभी ये पहले थे, फिर उसके बाद वो ऊपर वाले टावर तक हमको जाना, मैंने देखिए कि ऐसे ही कितने वो ऊपर जो सफेद व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही वहाँ हम लोगों ने जाना है, तो मैं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा नहीं वहीं तक जाना होगा, बस डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है हद से ज़्यादा। अभी तो ऊपर को जा रहे हो तो डर लग रहा है, अभी जब नीचे को आओगे तब क्या होगा?
मम्मी कह रही थी रास्ते से मेरे को उतारो जंगल में है जहाज में गई हम तो जहाज दोनों अलग चीज है लग रहा है कि आप ऊपर जा रहे हो लेकिन उसमें लगता नहीं कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये लास्ट टावर हमारा बचा हुआ है शायद, ये देखो ट्रॉली पे लोग नीचे को आ रहे हैं, ये पहुंच गए हम बिल्कुल ऊपर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मनकामना टेंपल, ये देखिए सामने मनकामना टेंपल है, ये जहां आपकी मनोकामना पूरी होगी, यहां हर मनोकामना पूरी होती है। कितना खूबसूरत दृश्य है, कितने ऊंचाई पे है, पीछे पूरे हिमालय की रेंज दिखाई दे रही है इस मंदिर से। अभी आपको दिखाता हूँ पूरा हिमालय पीछे से। कामना मंदिर जो है देखो माता जी का मंदिर है, और इस पर भी ना लाइन बहुत लंबी लग चुकी है, इतनी लंबी लाइन चुकी है कि 2-2.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है उस साइड से मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम सीमित है और वैसे भी मंदिर के अंदर की फ़ोटो खींचना काफ़ी मना है। तो बाहर से मैं आपको मंदिर पूरा दिखा रहा हूँ, और ये देखिए मंदिर प्रांगण और आसपास बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं, और यहाँ से दिखाई देता है बिल्कुल देखिए हिमालय का व्यू। ये देखिए ना पीछे, ये यहाँ पर ये पूरा हिमालय है। अभी थोड़ा पॉल्यूशन की वजह से हिमालय की सिर्फ ऊपर ही पीक दिखाई दे रही है पॉल्यूशन की वजह से, वरना ये काफ़ी खूबसूरत है। तो आप यहाँ आराम से आ सकते हैं। अभी इसके बाद हम लोग यहाँ की मार्केट भी आप लोग को दिखाएंगे, मार्केट कैसी होगी यहाँ की आखिरकार, और वहाँ का क्या सामान मिलता है, कुछ निहारिका को पसंद आएगा तो वो खरीदेंगे। तो ब्लॉग पूरा देखना, फिर नीचे जाएंगे रोपवे पर हमारा नंबर कब आएगा ये भी देखेंगे। लिया है ये नेपाली रुपए, ये एक और लिया है पता नहीं क्या है लिखा हुआ है, बेची लपसी कैंडी ये 50 रुपए का लिया हुआ है। फोटो दिखाओ, फोटो की चाहिए यात्रा की निशानी, ये देखिए। अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं अपने लंच का वेट, तो फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं लंच का, लंच होगा फिर हम लोग जाएंगे वापस रोपे से नीचे, फिर से दिखाएंगे। अभी नीचे आते मम्मी को ज़्यादा डर लगेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि नीचे आके ना पेटों गुदगुद जैसे आते हैं हम लोग झूले से नीचे, वैसे ही सेम टू सेम। तो ये है इंडियन थाली, अगर हम इसे नेपाली थाली भी मंगाते तो हमको इसमें दही नहीं मिलता ना हमको इसमें, फिर नेपाली में दही नहीं मिलता। बाकी खाना तो ये रहता सारा ना, ये इसमें लाई की सब्जी है, एक क्या सब्जी है, ये कौन सी सब्जी है, कुंदरू का अचार, इधर गोभी है, इधर आलू है, और ये क्या है, आलू की तरकारी है ना, दाल तो ये है, दाल ये है, थोड़ा पापड़ है, तस है। तो ये दो थाली मंगाई है, एक में मम्मी पापा एक में निहारिका और मैं। जितनी भीड़ जा सकती थी ना उसकी दुगनी भीड़ अब वापस जा सकते हो। देखिए यहाँ पे तो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है वहाँ तक पूरी, ये अब यहाँ पे नंबर आने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। तो आखिरकार एक घंटे बाद नंबर आ गया, देखो अब इनके चेहरे हंसते हुए
अब लम्बी लोग को लगेगा डर। अभी अभी चल रहे हैं नीचे की ओर को, ये निहार का की स्थिति आदत तक गई है। नीचे सदा दादा शुरू हो गया। अब नीचे देखिए आप डाउनवर्ड्स, ये देखिए, अरे भैया ये देखो नीचे को बहुत मजा आ रहा है देख के, ये देखो वाह मजा आ गया। नीचे गिरने में ठीक है, ये हम लोग उल्टा है ना, उसी कारण से पूरा नीचे गिरा जैसा लग रहा है। ये रोप पे देख रहे हो आप ना कितना तगड़ा है। अभी नहीं वो तो जो जो डाउन था वहीं पे से ले लिया ना उसने, उसके बाद तुम पहले लागे मजा। तो ये पूरा था ब्लॉग मनकामना मंदिर का, जो हाईएस्ट रोप वे है पूरे वर्ल्ड का, वो पीछे आप देख रहे हैं। मम्मी पापा सब लोग आ रहे हैं शॉर्टकट, हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है क्योंकि नीचे पार्किंग में जगह नहीं थी। तो ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मर जाना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।